आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, नेचुरली आप लाइफ साइंस के लिए जा रहे हो, तो आपने डिसाइड किया है साइंस एंड लाइफ साइंस आपका बन रहा है ना। आपने ये पूछा है कि मेजर कौन सा होगा, मेजर आपका साइंस होगा है ना। लाइफ साइंस वहाँ जाके आपको मिल जाएगा, पर ये देख लीजिए, ये ज़रूरी है, इसको रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि उस कॉलेज में ये साइंस के साथ लाइफ साइंस अवेलेबल है। बहुत से कॉलेज है, कईयों में अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज में किसी में भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए आपको अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए, कॉलेज में जो डिस्प्ले होंगी सीट्स उसमें देख लेना चाहिए कि साइंस के साथ लाइफ साइंस अवेलेबल है, तो अवेलेबल है, आप ले सकते हो। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर डिवीज़न है उसकी, अभी पड़ी मेरे पास ये रही, ये साइंस के साथ आपका, आपने क्या है ये देखा, एक मिनट, आपने माइक्रो, अच्छा लाइफ साइंस आपका बन रहा है, तो लाइफ साइंस आपका बन रहा है, उसके साथ आपको क्या करना होगा, लाइफ साइंस के साथ साइंस है, अगर आपने ये होगी यहाँ पर फिजिकल साइंस, ये साइंस ये नॉन मेडिकल के लिए है, फिजिकल साइंस ये, तो आपका साइंस और लाइफ साइंस ही बेस्ट बन रहा है। ये रहा आपका ऊपर है, ये नीचे थोड़ा सा करके ये रहा, ये है ना, लाइफ साइंस द फिजिकल साइंस है, लाइफ साइंस एंड लाइफ साइंस, ये आपका हो गया लाइफ साइंस एंड लाइफ साइंस आपका मेजर नहीं बनता, साइंस ही आपका मेजर बनता है, और साइंस के साथ आप लाइफ साइंस, ये सेकंड वाला आपके लिए बेस्ट है, यही बेस्ट है, इसी को चूज़ कीजिए। अदरवाइज बाकी कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, अगर आप थोड़ा चेंज करना चाहते हो, अदरवाइज चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही आप लैंग्वेज की तरफ जाएं, साइंस और लाइफ साइंस आपके लिए बेस्ट है, और सो साइंस आपका मेजर सब्जेक्ट हुआ। थैंक यू।